चैप्टर है, चैप्टर 16 है जो कि, और इसमें हम एनसीईआरटी पूरा कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें मिली नीट और आपके 11th के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए कितना आप अच्छे से कर पाए। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है, एनसीईआरटी समझेंगे पूरी तरह से कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग है और इसमें से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो जैसे कि हम अभी यहाँ से बढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर 16 है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो आपको सब समझ में आएगा ही शुरू में कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये भी आप सबको पता ही होगा, आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स और कई सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा भी हुआ है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये काफ़ी कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी अपने को मिलती है ये कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड फॉर ग्रोथ, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल तो सभी ही हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, ये प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर, जो कि कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगभग हर जगह ही यूज होती है। ठीक है, तो और ये डिहाइड्रेशन को भी बचाती है, हमें सूखने से बचाता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधे हमारी बॉडी जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकती है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है जो कि इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन की। ठीक है, तो डाइजेशन की ज़रूरत होती है और फिर इसके बाद लिखा हुआ है दे हैव टू बी टेक ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि इसे आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, इसको नीचे कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन डाइजेस्ट, ये हो चुका है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो कि बड़े हम मॉलिक्यूल्स खाते हैं, जैसे कि कुछ भी खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी खाते हैं, तो इन्हें जो छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है, मैं छोटे छोटे इनको सिंपल टुकड़ों में तोड़ देता है जो कि आसानी से अब्सॉर्ब हो जाएं, तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। एंड इज कैरीड आउट बाई द डाइजेस्टिव सिस्टम बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो इसके लिए दो तरह से मेनली ज़रूरत होती है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। तो ये हम ये भी समझेंगे कि मैकेनिकल किसको बोल रहा है और बायोकेमिकल किसको बोल रहा है। तो मैकेनिकल इसमें ज़्यादातर जो है दांतों के द्वारा होता है, थोड़ा बहुत जीव के द्वारा होता है और थोड़ा बहुत आंतों, और हर जगह से जब भोजन जाता है तो उसमें थोड़े बहुत झटके लगते हैं जिससे कि वो टूटता रहता है। और बायोकेमिकल तो पूरा थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली बायोकेमिकल मेथड का यूज़ करता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जनरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव
सिस्टम इज शोन इन फिगर। तो ये हमें नीचे फिगर में दिख रहा है कि क्या क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जो कि फिगर यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये आपको फिगर दिख जाएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ग्लैंड्स होती हैं, और एक मेन जो कैनाल होती है वो होती है। ठीक है, तो इसमें अभी तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं चैप्टर में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, जो कि माउथ होता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ओपनिंग जो होता है वो माउथ होता है, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो लास्ट में एनस होता है, जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल का एंड होता है। तो माउथ हो गया और एनस हो गया। ठीक है, द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो माउथ जो होता है वो बकल कैविटी और ओरल कैविटी के को घेर के रखता है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। तो इसमें बकल कैविटी होती है, और ओरल कैविटी जो होती है उसमें कई सारे दांत होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 32 दांत होते हैं, और मस्कुलर टंग एक जो होती है जीभ होती है। ठीक है, इसके बाद है ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो जो जॉ बोन होती है नीचे, ठीक है, जो मैंडिबल बोन होती है, इसमें सॉकेट में धंसे होते हैं, दांत जो होते हैं वो धंसे होते हैं नीचे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, जो कि ये लिखा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग फॉर्म्स टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो दो तरह के दांत निकलते हैं पूरे जीवन में जो इंसान होते हैं, उनमें एक तरह के दांत होते हैं जो आपने सुना होगा, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं, और एक जो कि बाद में निकलते हैं वो होते हैं दूध के दांतों के झड़ने के बाद। तो दो तरह के निकलते हैं, इसको भी एक वर्ड दिया होगा आगे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे। अभी ये आ गया, तो इसको हम थोड़ी देर से देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्या लाइन लिखी हुई थी। ये लिखा हुआ है टेम्पररी मिल्क एंड और डिसीडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो इसको बोलते हैं शुरू में जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं टेम्पररी टीथ, और या कि इसको डिसीडुअस टीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये झड़ जाते हैं, और इसके बाद इसको जो बाद में दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, या कि एडल्ट टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली हमेशा के लिए रहते हैं। अब हम ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम इसमें देखेंगे कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो डायग्राम में पहले तो आपको यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, और ये जो पूरी कैविटी होती है यहाँ पे, पूरी कैविटी को बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बाद में। ठीक है, अभी ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी के बाहर जो होता है ये माउथ, माउथ हो गया। ठीक है, इसके बाद पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो ईयर के नीचे होती है। ठीक है, ईयर के नीचे होती है, कान के नीचे होती है, और उसके बाद ये सब मैक्सिलरी
ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैक्सिला जो बोन होती है उसके पास होती है, मतलब ये यहाँ पे है, ठीक है। सब मैक्सिलरी हो गई, और इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। सबलिंगुअल होती है वो जीभ के नीचे होती है, ठीक है, टंग के नीचे होती है। इसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पे फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो कि आप कहीं पे आगे पढ़ेंगे कि फेरिंग्स जो होता है वो इसके माउथ और जो नाक होता है इसके दोनों का कॉमन पार्ट होता है, और ये अपने ब्रीदिंग और जो खाना खाते हैं दोनों के ही रास्ते में होता है फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। ये है ओसोफेगस। ओसोफेगस दिया हुआ है। ओसोफेगस जो ये रास्ता होता है ये फेरिंग्स से लेके और ये जो यहाँ तक जाता है ये क्या है, ये है आपका स्टमक। तो स्टमक तक जो जाता है इसको बोलते हैं ओसोफेगस, ठीक है। अभी ये छोड़ देते हैं, हम पूरा नीचे तक जाते हैं, देखते हैं स्टमक हो गया, ठीक है। स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप जे ऐसा समझ सकते हैं कि जे शेप का होता होगा, ये ऐसा जे हो जाएगा। और फिर ये ड्यूडिनम, जो कि ड्यूडिनम है ये भी होता है, इसका भी शेप होता है, सी शेप का होता है, यहाँ पे आपको सी जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपन नीचे चलते हैं इसमें कैनाल में, तो ड्यूडिनम हो गया, और ये जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडिनम है, और जेसनम ये है, और एक इलियम ये रहा। तो ये तीनों पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब इसके बाद यहाँ से ये जो है, यहाँ से जो है इसके बाद जो पार्ट है ये पूरा बड़ा सा जो आपको दिख रहा है मोटा सा, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल जो होता है वो बड़ा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को आप देखेंगे तो ये काफ़ी पतला होता है, ये काफ़ी पतला दिख रहा है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। तो ये ड्यूडिनम हो गया और इलियम, यहाँ तक आप पहुँच चुके थे। ये इलियम हो गया, ये आपको दिख रहा है जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है सी शेप का जो आपने बोला, तो ये होता है सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। बीच वाला पार्ट जो होता है जेजनम, ये होता है बीच का पार्ट, और इलियम जो होता है वो सबसे लास्ट का पार्ट होता है जो कि लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ड्यूडिनम जो होता है ये इसमें मैक्सिमम जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है मैक्सिमम होता है, और जो जेजनम है यहाँ पे इसमें मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है। और इलियम में भी एक खास बात होती है कि इसके बाद पाचन मेनली नहीं होता है, थोड़ा बहुत अब्सॉर्प्शन होता है, और इसमें डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इलियम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी इलियम हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये सीकम, ठीक है। इलियम है और ये सीकम है। सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसमें ये क्या है, वर्मीफर्म अपेंडिक्स, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें ये क्या है, अवशेषी अंग है एक, और ये इंसानों के लिए कुछ काम का नहीं होता है, थोड़ा बहुत ये जो होता है ये लिम्फेटिक ऑर्गन है। और फिर अपन देखते हैं सीकम हो गया, और इसके बाद एसेंडिंग कॉलन। एसेंडिंग क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से खाना जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एसेंडिंग कॉलन हो गया। और इसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स क्यों है, क्योंकि ये ऐसा सीधा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोल रहा है ट्रांसवर्स कॉलन। इसको आपको याद रखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद ये डिसेंडिंग, इसको भी ये ऐसे खाना नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए ये डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और फिर ये आ गया आपका, ये क्या है, रेक्टम, और ये है एनस, और यहाँ पे ठीक है उसको बाद में देखेंगे। और हाँ, अभी ये तो हो गए पार्ट, ट्रैक कैसा है वो देख लिया अपन ने, और अब देखेंगे कि इसमें जो बाहर से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सबसे ऊपर लीवर है,
यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है ये आपको ब्रीथिंग के काम में आएगा, ये ट्रैकिया है, ठीक है। तो इसको हम ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है ये जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ये तो स्टमक हो गया, इसके बाद ये लीवर है, ठीक है। लीवर है और जिसमें से कि गॉल ब्लेडर जो है ये अटैच होता है, ये अटैच है यहाँ पे गॉल ब्लेडर। और फिर क्या है ये पैनक्रियाज, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा है लीफ जैसा। और फिर इसके बाद क्या छूट रहा है, नहीं कुछ नहीं छूट रहा, सब कुछ हो गया। तो ये आपका हमने ये देख लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है, तो आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफाइडोंट। अच्छा ये चीज़ एक छूट गई थी थोड़ी सी, कि डाइफाइडोंट क्या होता है, जो दो बार दांत निकलते हैं वो कहलाता है डाइफाइडोंट। जैसे कि एक बार टेम्परेरी यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क टूथ जो निकलते हैं, और उसके बाद जो निकलते हैं एडल्ट टीथ जो निकलते हैं, तो दो बार दांत निकलते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं डाइफाइडोंट, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स। तो इसके टाइप्स हम देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे 32 दांत होते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के टीथ जो होते हैं, इसको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है हेट्रोडोंट डेंटेशन। ये यहाँ पे जो तीन चीज़ें हमने पढ़ी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाइफायोडोंट, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकता है एमसीक्यूज में। तो डाइफायोडोंट हो गया, और एक ये हेट्रोफायोडोंट, ठीक है, ये हो गया। और एक जो हमने पढ़ा था वो ऊपर था ये थीकोडोंट। तो ये तीन चीज़ें आपको सीधे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस तरह के दांत जो होते हैं ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है, या कि मैमल्स अगर बोलता है डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे अपन ने ऊपर देखा कि मैमल्स में भी इसी तरह के होते हैं। तो इसमें अब दोनों में ही तीनों तरह के दांतों का जानते रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गए थे ये, हाँ यहाँ से। तो जो इसने बात की कि चार तरह के डिफरेंट तरह के दांत होते हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, तो बोल रहा है कि नेमली इंसाइजर, इसको आई से प्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पे, इंसाइजर, कैनाइन और प्री मोलर एंड मोलर। तो इसके यहाँ पे इसने फॉर्मूले बताने के लिए, और ये इसमें प्रेजेंट कर रहा है किसे, इसको आई से, इंसाइजर का आई हो गया और कैनाइनन का सी हो गया, और प्री मोलर का, क्योंकि यहाँ पे एक एम वाला पहले से है, तो ये हो गया मोलर, एम मोलर, और प्री मोलर के लिए प्री का पी और एम मोलर का एम, प्री मोलर हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम के हिसाब से ये। और इसके बाद क्या है, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या होता है इसको बता रहा है यहाँ पे, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ये हमको आगे भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसमें से भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो देख ही लेते हैं कि कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर आपका पूरा बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है ये इंसाइजर है, ये जैसे यहाँ से अपने मुंह की ओपनिंग होती है इधर साइड से, और ये पूरा बंद होता है इधर से, ये बंद होता है, ठीक है, ये ऐसे इधर से बंद होता है अंदर साइड, ये इधर ओपनिंग है। तो ये बोल रहा है कि बाहर से जब देखते हैं तो इनका जो रो में बने होते हैं तो कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंसाइजर, जो कि यहाँ पे आपको शुरू में दिखेगा, इंसाइजर हो गया, उसके बाद कैनाइन हो गया, कैनाइन के बाद प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया, मतलब आई, सी, पी एम और एम, ठीक है। तो ये हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, अब ऊपर या नीचे किसी को भी देख सकते हैं, सब सेम ही होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई अ डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2 1 2 3, ये ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनके लिए सबका अलग अलग होता है, लेकिन लिखने का सेम रहता है कि ऊपर और ये नीचे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंसाइजर, कैनाइन, और ये हो गया इंसाइजर,
दो इंसाइजर जो लिखा हुआ है, दो होते हैं, फिर क्या है, कैनाइन है, तो कैनाइन एक होता है, उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है दो होता है, और मोलर तीन होता है, तो ये 2 1 2 3 आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेबल हेल्प्स इन द, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, डेंटल फॉर्मूला आपने देख लिया, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेबल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो उसका सरफेस है, जो बाहर का सरफेस है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनेबल का बना हुआ है। ठीक है, इनेबल जो होता है वो सभी जो जीव होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल किंगडम का सबसे मजबूत ये जो केमिकल होता है, मतलब ये जो पदार्थ है, जो केमिकल है, जो चीज़ है, ये सबसे मजबूत होता है। ठीक है, इनेबल हो गया, फिर ये क्या बोल रहा है कि हेल्प्स इन द एस्टिकेशन ऑफ द फूड, तो ये खाने को चबाने में मदद करता है, आप इसको अच्छे से यूज़ करके और कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा खरगोश काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़, चूहे आपने देखे होंगे कि सब कुछ खा जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद हम देखते हैं, द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ठीक है, तो ये टंग जो है ये क्या होता है, मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, और ये है क्या, मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल्स का बना हुआ होता है, इसमें कोई भी जो हड्डियां होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें केवल मसल होती है, मसल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर, तो ये फ्लोर जो नीचे का ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, उस फ्लोर से अटैच्ड होता है बाय फ्रेनुलम, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किससे अटैच होता है, तो फ्रेनुलम से अटैच होता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपली, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो टंग होती है, जो जीभ होती है, ठीक है, जो जीभ होती है उसमें छोटे छोटे से प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे से उभार होते हैं, वो पैपिली कहते हैं उनको, ये आपने देखे भी होंगे, छोटे छोटे उभार ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखते हैं आपको, दाने जैसे दिखते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो होती हैं उनपे टेस्ट बड्स होते हैं, और उसको अगर आप जानना चाहें कि किस में टेस्ट बड्स होते हैं, तो एक फ्यूजी फॉर्म पैपली जो होती हैं उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, और ये हम देख लेते हैं ऐसे जीभ जो होती है उसमें, कि कैसे जो आपने देखे हो कि ऐसे डॉट डॉट जैसे यहाँ पे, रुकिए दूसरे में इसमें देख लेते हैं, इसमें जैसे एक जीभ होती है, ये जीभ होती है ऐसे, तो इसमें यहाँ पे बड़े डॉट्स होते हैं, इधर साइड बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, और ये बड़े बड़े और थोड़ी दूर दूर पे डॉट्स होते हैं, और इधर आपने देखा कि छोटे 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 बहुत सारे डॉट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये वही होते हैं पैपिलीज। ठीक है, लौटते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं, टेस्ट बड्स आपने देख लिए, और इसके बाद द ओरल कैविटी लीड्स इन टू अ सॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर, तो ये जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों के लिए कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है, तो ये फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है, जो कि आपने वहाँ पे देखा होगा डायग्राम में, देखा होगा डायग्राम, फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा, ये रहा डायग्राम, तो इसमें कहाँ है फेरिंग्स, ये रहा फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, और ये यहाँ से ये नाक का रास्ता आता है, तो ये और ये जो ये जा रहा है, ये दोनों यहाँ पे कॉमन होते हैं, फिर ये जो सांस लेने का है वो इधर चला जाता है, और जो खाना खाते हैं वो इधर आ जाता है, यहाँ पे दोनों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस भी होता है, जिसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये कहाँ है नीचे, हाँ ये रहा, कॉमन पॉसेस फॉर फूड
फूड एंड एयर, तो खाने के लिए और हवा जो सांस लेते हैं दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। द ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप, ट्रैकिया जो होता है उसे विंड पाइप भी बोलते हैं, और ओसोफेगस हो गया, ठीक है। ट्रैकिया, ओसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इन टू द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ये हमने देख ही लिया। एक ठीक है, तो ये हो गया, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग सोलन। तो ये जैसे कि मैंने बोला था कि इपिग्लोटिस जो होता है ये क्या प्रिवेंट करता है कि जो आप खाना खाने वाले हैं वो कहीं नाक के रास्ते से, मतलब मुंह के रास्ते से, और कहीं हवा जहाँ से जानी है फेफड़ों में, तो फेफड़ों में नहीं चला जाए। तो यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस जो होता है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है, वो इसको ऐसे कवर कर लेता है जब आप खाना खाते हैं, तो आपका खाना जो है वो सीधे यहाँ से और यहाँ पे चला जाता है, जो कि ओसोफेगस होती है, ठीक है। नीचे चलते हैं, द एंट्री ऑफ फूड इंटू ग्लोटिस, तो ये ग्लोटिस जो होता है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है वो क्या है, ये है ग्लोटिस, ठीक है। तो जब हम सोलो करते हैं फूड को तो ये ग्लोटिस जो कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, मतलब ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इसमें खाना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो फेफड़ों में चला जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि इपिग्लोटिस जो है, यहाँ पे इपिग्लोटिस के बारे में आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ कार्टिलेजिनस, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है ये कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। इसमें भी कोई मसल्स नहीं होती है, ये कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। द ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, तो ये एक नेक से गर्दन से पास होती हुई ओसोफेगस जो है, थिन मतलब थिन और लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि पोस्टीरियरली मतलब पीछे, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है, तो पीछे के भाग से ये पास होके, नेक से पास होके और थोरेक्स और डायफ्राम दोनों से पास होके और कहाँ पे चला जाता है, लीड्स टू अ जे सेप, जो कि जे सेप की हमने बात करी थी स्टोमक, तो जे सेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, तो ये स्टमक में खुलती है, ठीक है। ओसोफेगस अ मस्कुलर स्प्लिंटर गैस्ट्रो ओसोफेगल फेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर है, ये नाम है स्फिंक्टर का, गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर जो है मस्कुलर है ये तो ठीक है, और ये क्या करता है, रेगुलेट्स द ओपनिंग, तो ये ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस, ओसोफेगस की ओपनिंग मतलब इसको कब खुलना है कब नहीं खुलना, ये चीज़ ये डिसाइड करता है। तो इसकी क्या ज़रूरत है वैसे अगर हम सोचें, तो इसकी ज़रूरत यही है कि जैसे आपने खा तो लिया लेकिन ये अगर बंद नहीं होगा तो वो खाना बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये ध्यान रखता है। इन टू द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्सन ऑफ द एबडोमिनल कैविटी, तो एबडोमिनल कैविटी जो हम जैसे जानते होंगे कुछ लोग कि एबडोमिनल कैविटी क्या होती है, ये जैसे ये अपनी बॉडी है अगर, तो एक ये जैसे है तो इसमें ये ऊपर का जो पार्ट होता है, ये अगर यहाँ पे नेक है तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये जैसे मुंह है तो ये ऊपर का यहाँ से पार्ट होता है डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम एक में दूसरे में समझ लेते हैं, इरेज कर देते हैं पहले इसको, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी एक होती है और एक अपडोमिनल कैविटी वो कहाँ पे होती है,
एक तो होती है ये ऐसे जैसे बॉडी हो गई, तो यहाँ पे ये सिर हो गया, तो ये होती है यहाँ पे ये डायफ्राम होता है, ये जो है ये है डायफ्राम, और इसके ऊपर जो होती है ये थोरिसिक कैविटी होती है जहाँ पे ये लंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होते हैं और इसी में यहाँ पे हार्ट होता है, और इधर ये जो नीचे है यहाँ पे होती है ये पूरी जो है ये अबडोमिनल कैविटी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो स्टमक है वो होता है, ठीक है। तो वापस चलते हैं इसमें, और इसके बारे में बात करने वाला है कि अपर लेफ्ट आपने देख लिया ऊपर होता है और लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये स्टमक है इसके कौन कौन से पार्ट होंगे, इसकी बात करने वाला है। हैज अ थ्री मेजर पार्ट्स, तो इसमें थ्री मेजर पार्ट्स हैं। वैसे आज अभी तक यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद में देखेंगे। और ऐसे ही आपको अगर एनसीईआरटी की चैप्टर्स के लिए अगर आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट आपको लगता है, आपको इस तरह का एनालिसिस आपको पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।